वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर EHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पशुधन प्रसार तथा विभिन्न विकास कार्यक्रम, जो पशुपालन के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रम हुए, उनके बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो रहेगा श्वेत क्रांति, यानी वाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, यानी भारत सरकार द्वारा, ये दूध से संबंधित है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाई गई थी उसे श्वेत क्रांति या वाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो भारत सरकार द्वारा सन 1970 में शुरू किया गया ये प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम जो श्वेत क्रांति या वाइट रिवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, या ऑपरेशन फ्लड यानी दूध की बाढ़ आना, इसका मतलब ये दूध की बाढ़ आना फ्लड। तो ये कार्यक्रम 1970 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये मिशन कार्यक्रम पशुपालन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम था, मतलब एक अनोखा कदम था। अपने आप विकसित, मतलब अपने आप विकसित होने, पनपने और जीवित रहने वाले आधुनिक दुग्ध उद्योग, यानी ऐसे दुग्ध उद्योग जो अपने आप उपजे, अपने आप शुरू हुए, ऐसे दुग्ध उद्योग जिनमें जो अपने आप, जिसको सरकार ने शुरू नहीं किया लेकिन वो अपने आप शुरू हुए और पनपने और जीवित रहने वाले आधुनिक दुग्ध उद्योग को सहकारी विचारधाराओं पर शुरू किया गया। सहकारी विचारधारा पर उनको शुरू किया गया। सहकारी विचारधारा का मतलब है, सहकार का मतलब है आपस में मिलकर काम करना, यानी कुछ लोग जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक ही प्रकार का धंधा करने वाले लोग जो आपस में जुड़ जाते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, फिर वो उसको उसके हिसाब से काम करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसमें उसको फिर के अपने आप में बांटते हैं, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं उससे। जैसे आज किसी की बच्चे की शादी है तो उसको वो पैसे दे देते हैं, फिर उससे पैसे किस्तों में ले लेते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, फिर तीसरे को दे देते हैं और उस संगठन को वो आगे बढ़ाते जाते हैं। ये मतलब क्या, कोऑपरेशन की भावना, जिसे कोऑपरेटिव का मतलब है कोऑपरेशन, आपस में सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए काम करना। अभी आपने कोऑपरेटिव सहकारी समितियाँ देखी होगी, सहकारी समितियाँ जो है, जो गाँवों में सहकारी समितियाँ खुली हुई है, वो इसी प्रकार की है कि जो किसानों की सहकारी समितियाँ हैं उसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक ही प्रकार के किसान एक गांव में, दो गांव उनकी सोसाइटियाँ बनी हुई है, फिर उनका क्या है कि सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो अपना काम करते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और जो प्रॉफिट होता है, यानी उनको मार्केटिंग वगैरह सारी सुविधाएँ, वो आपस में मिल बांट के काम करते हैं। यानी शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक लेन देन की देख रेख के लिए भारतीय दुग्ध निगम तथा इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास अभिकरण की स्थापना की गई। यानी ये सहकारी समितियों के तर्ज पे काम करने के लिए जो दूध का धंधा था उसके लिए भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक लेन देन की देख रेख के लिए, यानी कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो होता है, अगर दूध अगर इकट्ठा करेंगे फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे फिर उस दूध को बेचेंगे, इस सब के लिए एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन की देख रेख में, एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो है ये मतलब व्यापारिक लेन देन के लिए इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, इंडियन कॉरपोरेशन IDC। और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए, यानी ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास अधिकरण यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। आपको ये आ सकता है कि NDDB का फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसे राष्ट्रीय दुग्ध विकास अभिकरण बोलते हैं हिंदी में। NDDB ने ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास अधिकरण जो है इसने, यानी NDDB ने ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में लागू किया, इस ऑपरेशन श्वेत क्रांति को 3 चरणों में लागू किया गया। वो चरण इस प्रकार से थे, वो उसके उद्देश्य निर्धारित थे, उन चरणों में उस ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य निर्धारित थे।
और वो क्या क्या उद्देश्य थे। पहला चरण जो है उसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। ये चरण जो है 1970 से 1981 तक चला, 1970 से 1981 यानी कम से कम 11 साल के लगभग ये चरण चला। इस अवस्था के क्या उद्देश्य थे, वो ये थे कि इस दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता बढ़ाना। प्रसंस्करण का मतलब होता है डेयरी की यूनिटें स्थापित की कि जो दूध इकट्ठा करने के बाद उसका उसके बाई प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे मान लो दूध से दही बनाना, चीज़ बनाना, मक्खन बनाना, ये आपके आइसक्रीम बनाना, रसगुल्ले, मिठाइयाँ वगैरह बनाना, घी बनाना, दही बनाना, ये अलग अलग चीज़ें जो है ना उन्होंने इसको प्रसंस्करण बोलते हैं। उनकी क्षमता बढ़ाई, उनको अच्छी फैसिलिटीज दी। फिर क्या है, शहरी गोवंश को ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्स्थापित, यानी शहर के अंदर जो गोवंश था, गायें थी, उनको शहर से गांव में स्थापित करना, उनको गांव में ले जाके लोगों को कहा भी आप इनको पाड़ो, उनको कुछ इंसेंटिव दिया, उनसे दूध लिया, दूध लेके उनको सेवाएं दी, तो ये काम था उनका। विभिन्न क्षेत्रों में मौसमों में दूध की मांग व पूर्ति को सुचारू संतुलित करने के लिए, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार के मौसम में, मौसम कभी गर्मी का है, कभी सर्दी का है, कभी बरसात का है, उस मौसम के अनुसार दूध को संरक्षित करके उसकी मांग और पूर्ति को सुचारू करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और दुग्ध संग्रहण की सुविधाएं विकसित करना इसका उद्देश्य था, उपलब्ध करवाना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र, मतलब एक तो क्या ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज नेटवर्क को फैसिलिटी उनको डिमांड के अनुसार उपलब्ध करवाई गई। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में दूध संग्रहण सही प्रणाली स्थापित करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में दूध को इकट्ठा करने की सही प्रणाली स्थापित करना, ग्रामीण पशुपालकों को पूरे साल दुग्ध की विपणन की सुविधा उपलब्ध करना, यानी दूध को बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना, दुधारू पशुओं के क्रय विक्रय केंद्र स्थापित करना, जहाँ दुधारू पशु बेचना खरीदना हो उसके लिए केंद्र स्थापित किए गए, पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना, पशु जो है ज़्यादा दूध दे, ऐसे मतलब उनको उनकी सहायता की, उनको फीड वगैरह उपलब्ध करवाया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा बटर ऑयल व स्किम मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया गया, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर है वो, और बटर ऑयल, बटर से जो ऑयल बनता है, बटर ऑयल जिसे बोलते हैं, उसके लिए अनुदान के रूप में जो साधन थे वो उपलब्ध करवाए गए, और इन्हें जैसे ये जितने प्रोडक्ट पैदा उनको बेचकर प्राप्त की गई राशि का उपयोग इस योजना की आधारभूत सुविधाओं व जरूरतों को पूरा करने के लिए, विकास के लिए किया गया। इस योजना की शुरुआत में यानी 1970 में दुग्ध उत्पादन जो है 21 मिलियन टन था, मिलियन टन था जब 1970 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो दुग्ध उत्पादन जो है भारत में 21 मिलियन टन था, जो 1980 में 30 मिलियन टन के हो गया, यानी 9 मिलियन टन की वृद्धि हो गई उसमें। इस अवस्था से देश में 18 मुख्य दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में, यानी 18 दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी केंद्र तथा 14 दुधारू पशु केंद्र स्थापित किए गए, यानी कुछ दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ स्थापित की गई, कुछ दुधारू पशु उप केंद्र स्थापित किए गए जिनके उनके ट्रीटमेंट वगैरह की सुविधा थी। चारों महानगरों में प्रतिदिन 29 लाख लीटर दूध की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया गया, यानी चार महानगर कौन कौन से थे, पहले बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, ये चार महानगर थे। इन महानगरों में प्रतिदिन जो 29 लाख लीटर दूध की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया गया, तो ये डेटा भी आपको याद करने पर कौन कौन से चार महानगर थे और उनमें स्टार्टिंग में कितने लाख लीटर दूध की आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया गया 29 लाख लीटर का। और इसी अवस्था में आनंद जो गुजरात में है, आनंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एट आनंद की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, वो जो वेटनेरियन थे, ये भी आगे आएगा आप में। दूसरा चरण जो है वो 1981 से 1985 तक रहा। इस अवस्था में जो उद्देश्य थे वो ये थे कि 1 करोड़ ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों को अपने दम पर, मतलब 1 करोड़ ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों को अपने दम पर चलित दुग्ध इकाई शुरू करवाना, उनसे मोबाइल
मिल्क डेयरी यूनिट जो है वो शुरू करवाई 1 लाख परिवारों से जो दूध का धंधा करते थे। दुग्ध उत्पादन लगभग 1,40,00,000 संकर गायों का पालने के लिए प्रोत्साहित करने, यानी ये जो परिवार थे उनको 1,40,00,000 संकर गायें यानी क्रॉस ब्रेड गायें जो है उनको पालने के लिए प्रोत्साहित करना, वह समर्थ बनाना, उनको उसके लिए सेट प्रदान करना, साधन मुहैया कराना, एक नेशनल मिल्क ग्रिड की स्थापना करना जो ग्रामीण दूध उत्पादन केंद्रों को शहरी बड़े मांग केंद्रों से जोड़े, यानी गाँव से जो दूध है वो इकट्ठा करके शहर के अंदर जो केंद्र थे मिल्क संग्रहण केंद्र उनसे उनको जोड़ा गया, यानी इस अवस्था के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी धनराशि एकत्रित की गई, यानी इस काम से बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित की गई। चारों महानगरों की दुग्ध आपूर्ति प्रतिदिन, यानी जो चार महानगर मैंने आपको बताए थे शुरुआत में, जो चार महानगर थे दिल्ली बम्बई चेन्नई कलकत्ता, ये चार महानगर थे, उनमें बड़ी धनराशि एकत्रित की गई और प्रतिदिन 34,00,000 लीटर जो है ना इसकी दूध की आपूर्ति हो गई, 34,00,000 लीटर। ग्रामीण सहकारी केंद्रों की संख्या लगभग 43,000 हो गई, यानी सहकारी केंद्र जो थे ग्रामीण क्षेत्र में उनकी संख्या जो है 43,000 हो गई, जो लगभग 42.50 लाख दुग्ध उत्पादकों से जुड़े हुए थे। इतने दुग्ध उत्पादक थे उनसे 42.5 लाख दुग्ध उत्पादकों से ये जो समितियाँ जुड़ी हुई थी। दो इससे भी दुग्ध पाउडर का उत्पादन बढ़ गया, यानी जो दुग्ध का पाउडर है उसका उत्पादन बढ़ गया, दुग्ध उत्पादों के संग्रहण व परिवहन की सुविधाएं बढ़ गई। ये सेकंड फेज की बात है जो 1981 से 85 तक चला, अब रहा तृतीय चरण इसका। इसका तीसरा चरण जो है 1985 से 1996 तक चला तथा इस अवस्था के दौरान प्रथम दोनों अवस्थाओं में किए गए कार्यों को सुदृढ़ किया गया, जो पहले दो अवस्था में काम किया गया था उनको जो है इसमें सुदृढ़ किया गया, यानी उसको और अधिक उसमें वृद्धि की गई। इस अवस्था की मुख्य उपलब्धियां निम्न, इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी वो ये थी कि प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता यानी पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी 107 ग्राम से, पहले 107 ग्राम थी, एक आदमी को 107 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलता था, जो तृतीय चरण में आते आते 193 ग्राम हो गई, यानी 1994 में 193 ग्राम हो गए पर कैपिटा दूध का कंजप्शन। तो ये भी आपको याद करने वाला है, एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 74,000 गांवों में लगभग 1 करोड़, यानी 74,000 गांवों में लगभग 1 करोड़ दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संग्रहण किया जाने लगा, दूध संग्रहण किया जाने लगा, जिसमें आय में बढ़ोतरी हुई। कस्बों और शहरों में उचित दरों पर दूध की आपूर्ति होने लगी, कस्बे और शहर जो है उनमें दूध की आपूर्ति उचित दरों पर होने लगी। पूरे देश में दुग्ध उत्पादकों की विभिन्न स्तरीय सहकारी समितियां बन गई, यानी विभिन्न स्तर की सत्र की, यानी गाँवों की अलग बन गई, शहरों की अलग बन गई, सब डिवीज़न पर अलग बन गई और स्टेट में अलग बन गई, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई। दुग्ध व्यवसाय का विस्तार व आधुनिकरण होने लगा, यानी दुग्ध व्यवसाय जो है उसका विस्तार होने लगा और मॉडर्नाइजेशन होने लगा, जिसे नई नई तकनीकें काम में ली जाने लगी, मतलब इसके लिए तकनीकें जो है नई नई काम में लेने ली जाने लगी। दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में होने से इनका आयात बंद हो जाना, यानी दूध और दूध से उत्पाद जो बनते हैं उनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अपने देश में हो गया कि बाहर के देशों से मंगाना बंद कर दिया। पहले हम बाहर से दूध या दूध के प्रोडक्ट मंगाते थे, बाद में जो है 1994-95 में इसको बंद कर दिया गया। दुग्ध उत्पादन में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों का देश में, यानी जो दूध उत्पादन में जो उपकरण काम आते थे जैसे मिल्किंग मशीन है या मान लो चिलिंग सेंटर के लिए जो चिलिंग के लिए है या घी बनाने की मशीनें हैं या दही जमाने के लिए है, क्रीम निकालने के लिए है, जो भी मशीनें चाहिए उनका उत्पादन जो हमारे देश में होने लग गया, ये तृतीय चरण की बात है। अब जो है ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये सफल साबित हुआ, जिसका कारण ये रहा कि इसमें दुग्ध व्यवसाय को ग्रामीण विकास और सामाजिक बदलाव का साधन मानते हुए दुग्ध आपूर्ति व विपणन व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया।
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया तथा इसके विपणन की उचित व्यवस्था की गई, जिससे पशुपालकों को आय होने लगी तथा इस कार्य को अधिक उत्सुकता व रुचि के साथ करने लगा। साथ ही इस व्यवसाय से व्यवसाय को बढ़ाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जल्दी सामने आने लगे। इसलिए ऑपरेशन फ्लड को देश में श्वेत या सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो गया, दूध की आपूर्ति सुचारू ढंग से खूब अच्छी प्रकार से होने लगी, तो इसको इसका नाम जो है श्वेत या सफ़ेद क्रांति रखा गया। तथा उक्त उस वक्त एनडीडीबी के अध्यक्ष जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कुरियन को वो जो गुजरात में थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने इसकी सहकारी डेयरी की स्थापना की थी, जिसको वर्गीज को श्वेत क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये वेटनरी डॉक्टर थे जिन्होंने डेयरी में आनंद में डेयरी का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इसमें दुग्ध सहकारी समितियां तीन स्तरीय संगठन बनाती है, यानी इसको सहकारी समितियां जो दुग्ध की थी उसको तीन स्तर पर, यानी ग्रामीण में, शहर में और जिले स्तर पर अलग अलग इसकी सहकारी समितियाँ बनाई गई। जो दुग्ध संग्रहण करती थी इसका परीक्षण कर इसको जिला स्तरीय दुग्ध उत्पादन संगठन को भेज देती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो समितियाँ हैं वो दूध को इकट्ठा करती है, उसका टेस्ट करती है और फिर इसको इकट्ठा करके और इसको शहरी संगठन को, जिला स्तरीय दुग्ध संगठन है जो है उसको भेज देते हैं। जिला स्तरीय दूध संगठन जो है इस दूध को प्रोसेस करके, यानी प्रोसेस का मतलब है दूध को थैलियों में पैक करके उसकी क्रीम निकाल के या उसका दही जमा के या लस्सी बना के या रसगुल्ले बना के या घी निकाल के, ये प्रोसेसिंग होती है, उसको प्रोसेसिंग करके और बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। इसके अलावा ये संगठन ग्रामीण स्तर पर दूध उत्पादकों को जो जिला स्तर की समितियां हैं या डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी है वो ग्रामीण स्तर के जो दुग्ध उत्पादक है पशुपालक है उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तकनीकी और दुग्ध उत्पादन के लिए भी मतलब उनको सहायता देते हैं, उनके पशुओं को हेल्थ चेकअप करते हैं। तो ये इस तरह से ये जो है थर्ड फेज थी श्वेत क्रांति की। अब इसके अंदर जो आपको पेज नंबर आपके 86 और 87 पे दो चार्ट दिए हुए हैं, यानी ये मिल्क का प्रोड्यूसर से मिल्क लेके आखिर तक कंज्यूमर तक ये कैसे पहुंचता है, मिल्क जो है मिल्क प्रोड्यूसर से लेके फिर ये कंज्यूमर तक जो इसको कंज्यूम करते हैं उन तक कैसे पहुँचती है, एक चार्ट दिया हुआ है इसका, एक प्रकार का ये सर्कुलेशन है, यानी मिल्क प्रोड्यूसर जो है उससे विलेज डेयरी या कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क को इकट्ठा करती है, फिर वो मिल्क कलेक्टिंग उसको मिल्क को कलेक्शन करके उसका दूध को तोलते हैं और उसको ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होकर उसको डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन पे पहुंचा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिले के मिल्क यूनियन, जैसे अपना मिल्क यूनियन है गंगानगर जिले में, गंगानगर हनुमानगढ़ एक है, वो अपने दोनों जिलों का एक है जो हनुमानगढ़ में स्थित है जंक्शन में, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है, यानी अगर उसके घी बनता है तो घी की पैकेजिंग होगी, दूध की पैकिंग होगी, एक लीटर के आधे लीटर की थैलियाँ, फ्लेवर्ड मिल्क होगा, उसके बाद में घी बना के घी की पैकिंग करेंगे, दही की पैकिंग करेंगे, लस्सी की पैकिंग करेंगे, मिठाई बनाते हैं रसगुल्ले वगैरह बर्फी वगैरह उनकी पैकिंग करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। और फिर यहाँ पैकिंग होने के बाद में मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बना हुआ है स्टेट में, जैसे अपना राजस्थान का जयपुर में बना हुआ है, ऐसे हर स्टेट में उनके राजधानी में ये फेडरेशन बने हुए हैं, स्टेट फेडरेशन, जहाँ पे इनका फिर जो मार्केटिंग होती है। तो ये इस प्रकार का एक सर्कुलर चार्ट है, ये सर्कुलर है। इसी तरह से मार्केटिंग का एक चार्ट और दिया हुआ है कि उनका पैसे का लेन देन कैसे होता है, ये भी मतलब कंज्यूमर मनी कैसे प्राप्त करते हैं, फिर उस पैसे को कैसे यूज़ में लेते हैं, ये आपका चार्ट नंबर 287 पेज भी दिखाया हुआ है।
तो ये तो सिर्फ आपको याद करने वाली चीज़ है। तो ये आपका लेक्चर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट आज कंप्लीट हो गया। इसमें जो मेन मेन चीज़ें मैंने बताई उसको आप याद करोगे तो आपको एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें पूछी जाती है। धन्यवाद।